जी हाँ, आज मैं आपको शांतिनाथ भगवान सोलहवें तीर्थंकर के दर्शन कराने आया हूँ। आप देख सकते हैं यह मंदिर का पूरा परिसर है। जी हाँ, यह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है जो कि यहाँ सोलह तीर्थंकर के रूप में विराजमान है। चौबीस तीर्थंकर में सोलहवें तीर्थंकर के नाम से शांतिनाथ भगवान जाने जाते हैं। मैं आपको पूरे परिसर का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप यह वीडियो, यह कुआ है जो कि अद्भुत प्राचीन है। कहा जाता है कि इस कुएं में जो भी बर्तन डालते थे वह बर्तन ऑटोमेटिक ही आ जाते थे। पर्ची डालने पर ही यहाँ से सामग्री मिल जाती थी। इसके बाद अब मैं इसके पीछे जो मढ़ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं यह एक अद्भुत प्राचीन मढ़ है। सर, आप इस मढ़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस मढ़ में इतना धन है कि यहाँ पर ढाई दिन तक पूरा संसार खाएगा। इसका पुरातत्व विभाग को कोई जानकारी है क्या? हाँ, विभाग ने कोशिश की है लेकिन यहाँ कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता, एक बीजक लगा। हाँ, क्या कहना चाहते सर? यहाँ पर खुदाई में मूर्तियाँ निकलती हैं और मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, और जो आजकल यहाँ गांव में कहीं भी खुदाई करोगे तो पत्थर और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ निकलती हैं, बर्तन निकल। सीरोन जी के लिए प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता है? पहले सीतागढ़ के नाम से जाना। अच्छा, सीतागढ़ के नाम से था। सीतागढ़ की राजधानी थी जो कि कह सकते हैं, जी हाँ कह सकते हैं, सीतागढ़ के नाम से यह शांतिनाथ जो कि सोलहवें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनका अद्भुत प्राचीन मंदिर पाया गया है जिसके लिए यहाँ जैन समाज का बहुत अच्छा मंदिर है। आप आओ घूमो। ललितपुर ज़िला से 15-20 किलोमीटर दूर पर पाया जाता है, ललितपुर ज़िला के पास में शांतिनाथ भगवान का मंदिर। अब मैं आपको शांतिनाथ भगवान के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। देख सकते हैं यही सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी हैं जो कि 24 तीर्थंकर में सोलहवें तीर्थंकर के स्थान पर आते हैं। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज आपको शांतिनाथ भगवान के दर्शन कराने आया हूँ। अब मैं आपको इस परिसर में के कुछ दिन अद्भुत प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर में पाई जाती हैं जो कि यह कई सदियों से यहाँ पर हैं। मैं धर्मेंद्र राजपूत अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह पूरे मंदिर का परिसर है, यहाँ अलग अलग देवताओं का विराजमान है। देख सकते हैं यहाँ चौतरफा जहाँ भी आप देखो तो छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की गई है। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज आपको यह वीडियो बना रहा हूँ। यह लाइब्रेरी है जो कि सामग्री पूजा पाठ के लिए यहाँ से मिल। 207 भाषाएं लिखी हुई हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस पत्थर के बारे में? इस पत्थर पे 207 भाषाएं लिखी हैं लेकिन इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, और देश विदेश से भी सैलानी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं लेकिन किसी ने पढ़ नहीं पाया। इसके जो पीछे यही प्राचीन कुआ है जो कि इस कुएं की मान्यता बहुत ही पुरानी है। कहा जाता है कि जो भी पर्ची डालते थे सामान यहाँ पर ऑटोमेटिक बाहर आ जाया करता था इस कुएं में। जी हाँ, यह पूरा कांच का और अलग अलग स्तंभों से इस मंदिर को सजाया गया है। देख सकते हैं आज मेला का पावन अवसर पर यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं धर्मेंद्र राजपूत, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। देखा जाए तो अपने आत्मा के स्वरूप की प्रभाव न करने का एक सौभाग्य हम यहाँ शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के प्राप्त करते हैं। आचार्य लोग तो हमारे विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से लोग।